चित्रकूट जनपद के मानिकपुर में माफियाओं के विरुद्ध सोशल मीडिया पर खबर लिखने पर पत्रकार पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला। माफियाओं ने घर में बुलाकर जान से मारने की नियत से पहले आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया, उसके बाद उसकी जमकर लाठियों से पिटाई कर डाली और जब पत्रकार मरणासन हो गया तो छत में नीचे ले जाकर फेंक दिया। घटना की सूचना जब परिजन मौके पर पहुंची तो वहां मौजूद मानिकपुर थाने के सब इंस्पेक्टर की भूमिका भी संदिग्ध नजर आई। पीड़ित पत्रकार के परिजनों ने पारस मिश्रा, अंकित चकवा और अन्य अज्ञात लोगों पर घटना करने का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल से जब बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने फोन उठाना वाजिब नहीं समझा। वहीं मानिकपुर से भाजपा विधायक आनंद शुक्ला पर जिला अस्पताल पहुंचकर पीड़ित को एम्बुलेंस व्यवस्था करवाकर प्रयागराज भिजवाया गया। मानिकपुर कस्बे के सुभाष नगर में रहने वाले एक पोर्टल के पत्रकार सूरज तोमर ने एक जमीन के कब्जे को लेकर सोशल मीडिया में एक खबर डाली थी, जिसको लेकर परिजनों ने आरोप लगाया कि पारस मिश्रा उसे घर बुलाकर ले गया था, जहां पर अंकित चकवाई मौजूद था। पत्रकार सूरज तोमर के घर पहुंचते ही पहले उसकी आंखों में मिर्च का पाउडर डाल दिया, उसके बाद लाठी डंडे से उसकी पिटाई की जाने लगी। जब वह मरणासन्न हो गया तो सबसे नीचे ले जाकर फेंक दिया। घटना की सूचना किसी कस्बे वासी ने पीड़ित के परिजनों को दी, जहां वह पत्रकार सूरज के भैया और भाई पहुंचे तो वहां मानिकपुर थाने का एक एसआई मौजूद था, जिससे मदद मांगने पर उसने उदासीनता दिखाई और आरोपी पारस मिश्रा के घर जाकर बैठ गया। हालांकि परिजनों ने किसी तरह पीड़ित को मरणासन्न हालत में मानिकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहाँ से हालत नाजुक होने पर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पीड़ित की हालत नाजुक देख जिला अस्पताल से ही डॉक्टर ने प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया। पीड़ित पत्रकार के भाई दीपक तोमर ने बताया कि सूरज ने बताया कि पारस मिश्रा ने अपने घर बात करने के लिए आया था। जब वह पारस मिश्रा के घर पहुंचा तो अंकित चकवाई मौजूद था। सूरज के पहुंचने पर ही पहले मिर्च का पाउडर डाला गया, उसके बाद उसकी जमकर पिटाई की और छत से नीचे ले जाकर फेंक दिया। सूचना पाकर पहुंचे परिजनों ने उसको अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित के तो महंगे मोबाइल और फोन और गाड़ी भी गायब है। ब्यूरो रिपोर्ट, राधेश्याम गुप्ता, सप्तन सिंह, बांदा, यूपी। 11 बजे लगभग घर से निकले हैं तो मैंने इनको फ़ोन किया कि खाना खाने के लिए घर के 12:30 लगभग, एक घंटे का अंतर हुआ होगा। तो किसी के माध्यम मेरे फ़ोन आया कि सूरज को वहाँ पे मतलब गाड़ी पड़ी हुई है और कोई मारा, पारस मिश्रा नाम है उसका, वहाँ के पत्रकार हैं मानिकपुर के, और एक अंकित चिकुआ, ये उनके यहाँ पारस मिश्रा के यहाँ गए थे और वहाँ पे 2-3-4 लोग थे। अभी नाम जो बताया तो अंकित चिकुआ, पारस मिश्रा बताया, 3-4 लोग बताए थे, प्लस जो है कह रहे कट्टा लगाने की कोशिश कर रहे थे। तो कैसे चोट आई इनको, क्या हुआ है? चोट क्या हुआ, जैसे गए तो चाय पीने के लिए बुलाए थे, इसके बाद इसकी आँख में जो है मिर्चा डाल दिया गया, फिर बहुत ज़्यादा मारे हैं। तो कहाँ पर मारा, कहाँ मतलब? सर पे ज़्यादा चोट है सर। नहीं, कहाँ ये घटना कहाँ हुई? ये घटना है स्टेशन के पास जो शिशु मंदिर स्कूल है उसके जस्ट पीछे पारस का घर है, उसके घर पे ही हुई है ये घटना। तो किस बात, अपने घर पे ही बुलाया था, किस बात को लेकर, क्या कोई विवाद हुआ था? अब वो पत्रकार है, ये भी पत्रकार है, अब इनका जो भी मैटर रहा हो। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? देखिए, बहुत विभत्स घटना है और दयनीय है, मैं तो कहूँगा। देख के स्थिति मुझे, मैं कार्यक्रम में था किहुनिया में, यही जो असहाय लोगों का वितरण में कार्यक्रम में था, उसमें वहाँ सूचना लगी तो मैं भाग के वहाँ से कार्यक्रम निपटा के तुरंत यहाँ भाग गया हूँ, ताकि जिला अस्पताल जानकारी मिली, जिला अस्पताल आ गए हैं और देख के तो स्वयं भी एहसास हो रहा है प्रथम दृष्टया क्या हुआ है। जैसा खुद बोल रहा है वो, कुछ लोगों ने उसको मारा पीटा है और क्या के आँखों में मिर्ची, ऐसी बात मतलब। आप ये लोग, आप लोग आश्वस्त रहिए क्योंकि ये पत्रकार साथी पे हमला है और आप लोग वो को किसी भी प्रकार का कोई भी किसी के अंदर भय नहीं जाना चाहिए। इस विषय की बिल्कुल पारदर्शिता के साथ जांच होगी और कोई भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, उसको कठोर से कठोर जो प्रावधान है उस वो कार्रवाइयाँ सुनिश्चित की जाएंगी। इधर जिस तरीके से एक पत्रकार के ऊपर हमला हुआ है, इससे तो ये कहीं ना कहीं यहाँ के अपराधियों के ऊपर कितना नियंत्रण है पुलिस का, इसका अंदाजा तो लगा होगा आपको। अब मुझे ये आभास थी, ये अपराधी हैं, ये कहाँ गए, क्या गए, वो सारा विषय तो जांच के उसमें आएगा। अभी तो बताया उन्होंने एक नाम ले रहे हैं, किसकी छत से कहाँ से उनको धक्का दिया गया, क्या है वो पूरा जांच का विषय है। इस पे हमारी और आपकी इस समय प्रथम दृष्टया टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, या आप लोगों को अगर कोई पुख्ता कोई ऐसा चीज हो तो उस पर हम टिप्पणी करें। अभी तो बस जानकारी लगी है, मैं आपके बीच खड़ा हूँ यहाँ पर इस हाल में, तो जैसे जांच होती है। अभी लगभग 3 घंटे हो रहा है, अभी तक प्रशासनिक अधिकारी कोई सिपाही तक नहीं आया उसके बीच में। मुझे अभी जानकारी मैंने स्वयं ली, मैंने आपके सामने ही अभी फोन किया है, सर्किट ऑफिसर को फोन किया, कप्तान साहब हमको लगता है उनको 2 बार मिला है, कहीं हो सकता नहीं हो, उनका कॉल बैक आ जाता है अक्सर,
और एम्बुलेंस की बात बताई तो तत्काल मैंने सीएमओ को बोला, सीएमएस आ गए, एम्बुलेंस भी आ गई पीछे आपके, और जितनी भी संभव होगी जो मदद की जाएगी शासकीय स्तर से भी और व्यक्तिगत स्तर से भी। और एक चीज़ का अश्योरेंस बस मैं दे सकता हूँ अपने रहते कि जांच बिल्कुल पारदर्शिता के साथ होगी और जो भी गुनाहगार होगा उसको उचित दंडात्मक उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। थैंक यू। आज दिन में एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना मानिकपुर क्षेत्र अंतर्गत कि सूरज तोमर नाम के व्यक्ति को पारस मिश्रा नाम के व्यक्ति ने ऊपर छत से गिरा दिया है जिससे उसको काफ़ी चोट आई है। मौके पर क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारी द्वारा जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। सूरज तोमर और पारस दोनों ही पत्रकार हैं और पारस के फोन करने पर सूरज उसके घर गया था जहाँ पर उनकी कुछ कहा सुनी हुई और उसके बाद इस लड़ाई में सूरज जो है वो छत से गिर गया जिससे उसको चोट आई है। जैसी तहरीर प्राप्त होगी उस पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जो मुख्य अभियुक्त है उसको हिरासत में